हाँ, कल शाम आए थे हम लोग। जय बद्री विशाल, वेल सेट गो। हमने बद्रीनाथ छोड़ दिया है, हम निकल रहे हैं जोशीमठ की ओर। तो अभी बजे हैं 14:48 बजे हैं, 3 बजे के 3 बजे हुए हैं और हम लोग करीब 2 घंटे में जोशीमठ पहुंच जाएंगे। आज बहुत थकान हो गई, तो सुबह मॉर्निंग 4 बजे उठे, बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए, उसके बाद माना गाँव, उसके बाद एक ट्रैक किया बस द्वारा फॉल का। तो इतनी करीब एक ही दिन में 4 ब्लॉग बन गए। अब जा रहे हैं हम लोग जोशीमठ, कल रात जो अधूरा रह गया था वही पूरा होगा। कल रात में जाते थे अंधेरा हो गया था, तो उसकी वजह से हम लोगों ने आपको रोड पूरी बद्रीनाथ की दिखा नहीं पाया। अभी जो अधूरा है वो पूरा करते हैं और चलते हैं जोशीमठ की ओर। दिल्ली यहाँ से 525 किलोमीटर है, ऋषिकेश 296 किलोमीटर है। यहाँ ठंडा बहुत है और इतने ठंडे में सर्वाइव करना 2-3 दिन बहुत टफ टास्क है। जाने का मन तो नहीं कर रहा लेकिन अब जाना पड़ेगा। कल हम जब आए थे रात में, यहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट थी, वहाँ पे एंट्री करनी थी, वहाँ पर हमने एंट्री की थी। जब भी आप आओगे तो आपको भी एंट्री करनी पड़ेगी वहाँ पे। ये है शायद पुलिस चेक पोस्ट, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ती है, जाना पड़ता है इधर को उधर। यहाँ पे करनी पड़ती है एंट्री। हाँ, कल शाम आए थे हम लोग। तो हो गया हमारा चेक आउट बद्रीनाथ। ऐसे वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे भी बहुत सारी, यहाँ पे थोड़ी लैंडस्लाइड ज़्यादा होता है इस जोन में। तो कुछ ज़्यादा करता है, जैसे भी नॉर्मल रोड आती है तो उसके बाद एबीएस नॉर्मल आता है। कल रात में जब बाहर था तो पूरा घुप अंधेरा था पूरे रास्ते में, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था पूरे रास्ते पर, क्योंकि हेडलाइट का जो ल्यूमिनसिटी थी और जो फोकस था वो साइरन से रोड पर पड़ नहीं रहा था, तो इतना मुझे स्किप करना पड़ा पूरा रास्ता। वैसे बद्रीनाथ से जाने का आज मूड था नहीं, आज वहीं रुकना था बद्रीनाथ में, लेकिन हम लोग का जो विजिट था माड़ा गांव का, बसुधार फॉल का, वो करीब 1 बजे पूरा हो गया और हमारे पास करीब 4 घंटे और बचे हुए थे। तो नेक्स्ट दिन भी हमको सफ़र करना है, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि हम लोग आज 45 किलोमीटर की दूरी तय करके जोशीमठ पहुँच जाते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ में ठंडा काफ़ी है और सर्वाइव करना ही बहुत मुश्किल है और ऑक्सीजन की कमी भी काफ़ी है। वाटर क्रॉसिंग है यहाँ पे, 2-3 जगहों पर पड़ती है। कल रात के अंधेरे में पता नहीं चल रहा था, अचानक से वाटर क्रॉसिंग आ जा रही थी तो दिक्कत हो रही थी। वो सामने का नज़ारा देखिए, अलकनंदा निकलते हुए 2 पहाड़ों के बीच से, एक साइड से नहर
दो साइड से नारा है, दो पहाड़ों के बीच में लाइन आती है अलकनंदा। जो यू बैंड आ रहे हैं पूरे रूट पे, वो तीन चार रूट यू बैंड है टोटल, लेकिन हैं बहुत ज़बरदस्त। अगर कोई बड़ा व्हीकल इस पर चले तो उसे चलना बहुत टफ टास्क है, क्योंकि अभी डाउन हिल्स पर तो पता चल रहा, लेकिन जब मैं कल अपहिल्स में आ रहा था तो यू बैंड इतने इसमें ज़्यादा करवा है, गाड़ी मुड़ने में काफ़ी दिक्कत होती है। हाँ, और बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आपके उसका नोटिफिकेशन नहीं आता वीडियो का मेरे पास, तो मैं आपको बताऊँ, आपको बेल आइकन दबाना पड़ेगा उसके लिए, और पर्सनलाइज करना पड़ेगा बेल आइकन को ना। उसमें तीन ऑप्शन आते हैं, एक क्रॉस करके आता है, एक पर्सनलाइज करके आता है, आपको पर्सनलाइज करना पड़ेगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। अब हम पहुँच चुके हैं हनुमान जट्टी। कल रात जब मैं आया था बद्रीनाथ तो उस वक्त काफ़ी अंधेरा था और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। हनुमान चट्टी से ही बद्रीनाथ के लिए काफ़ी चढ़ाई स्टार्ट होती है, और यहाँ से आपको फील होगा ऑक्सीजन की कमी होने का। यहीं से मेरे को भी फील होना पड़ा ऑक्सीजन की कमी का, और गाड़ी ने पिकअप भी थोड़ा लेना कम कर दिया था यहाँ से। और सामने का नज़ारा देखो आप, कितना भयंकर लैंडस्लाइड है। मेरे सामने देखिए वो कह रही है अलकनंदा, सामने अलकनंदा आ रही है, उधर सारे से दूर बिंदा और दोनों का संगम यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त है। जो यहाँ पर एक पुल भी बना हुआ है, क्या था किसी गाँव को जाता होगा। वर्क इन प्रोग्रेस इन मैनेज पहुंच चुके हैं पांडुकेश्वर। यहाँ पर है जेपी ग्रुप का एक डैम, छोटा सा डैम है अलकनंदा नदी पर बना हुआ, यहाँ से विद्युत उत्पादन होता है। और सामने हिपरी इसमें इस पहाड़ से एक टनल जाती है, और वो टनल निकलती है जोशीमठ। कभी आप जोशीमठ से देखना, आपको दिखाई देगा एक रोड गई हुई है, एक टनल का गेट है, और वो गेट यहाँ पर भी दिखाई देता है आपको, पूरा दिखाई देगा वो व्यू। जो कभी जब बद्रीनाथ में यात्री फंस जाते हैं तो उसी रास्ते इनसे हेल्प लेके जेपी ग्रुप वालों से उनको क्रॉस किया जाता है इसी टनल के रास्ते पे। काफ़ी सुंदर व्यू है पूरे डैम का, और आपदा के टाइम पे ये जब डैम के द्वारे खोले गए तो गोविंद घाट की सारी गाड़ियाँ बह गई थी उस टाइम में, 2013 की आपदा में यहाँ पर भी काफ़ी नुकसान हुआ था। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे ढाबे लंच डिनर आप लोग कर सकते हैं, गाँव भी होकर एक। और ये बद्रीनाथ का सबसे डेंजरस लैंडस्लाइड एरिया, ये बस नहीं क्या रुकिए ना, है ना, कुछ काम दिन चल रहा है क्या, शायद उनके कुछ जेपी अच्छा जेपी कुछ। अभी देखिए एबीएस ना टाइट हो गया, देखो उसकी कंडीशन देखो कितना ज़बरदस्त है। सबसे ज़्यादा मतलब जब बरसात के टाइम पे जो लैंडस्लाइड होकर रोड ब्लॉक होती है वो यही एरिया है। इस एरिया से आप साफ सेफ निकल गए अगर, तब तो आप जाम में फंसेंगे नहीं, वरना फिर आपको हो सकता है कि दो तीन दिन बद्रीनाथ में गुजारने पड़े या इधर पांडुकेश्वर के पीछे जो जगह वहाँ गुजारने पड़े। बहुत बड़े बड़े पत्थर आते हैं देखो, आप ये बोल्डर है और रोड की कंडीशन अभी तो सही नहीं है, और बहुत अभी नहीं है कि जोन छोटा है, जोन काफ़ी बड़ा है। वो तो सामने भी देखिए लैंड स्लाइड कितना भयंकर हुआ है, हमने जो है सेफ्टी ज्वाइन कर लिया। खैर मैं तो अभी अक्टूबर के महीने में आया हूँ, ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं है, आज तक बारिश नहीं होती तो दिक्कत नहीं होती। एक तो यहाँ पर जो पीछे था अभी आपने देख लिया, नेक्स्ट ये है, ये जो दो जोन है इस जगह का नाम है लाम बगल। यहाँ पे SDRF NDRF वाले खड़े रहते हैं, वो बताते हैं कि क्रॉस करना है कि नहीं करना है, है ना, ये लोग बताते हैं कि आपको क्रॉस करना नहीं करना है, ये लोग काम चल रहा होता है ऊपर। तो देखिए कितना भयंकर ऊपर होना, ज़्यादा जबरदस्त है,
डरावना काफ़ी है, डर भी लगता है भाई जब बोल्डर वोल्डर आ गया तो पत्थर तो गिरते रहते हैं पहाड़ पर। इस जोन से निपटने के लिए नीचे रोड का निर्माण हो रहा लग रहा है, नीचे रोड बन रही है ना शायद इसी के लिए बन रही है ताकि ये वाली रोड उस पहाड़ को रोके और नीचे वाली रोड से कहीं पुल उल बना के काम कर लिया जाए आसानी से, मतलब लोगों को तकलीफ ना हो। बताना है क्योंकि कल हम लोग जब आए थे तो गाड़ी फुल टैंक करके लेके आए थे, लेकिन एक जगह पेट्रोल जहाँ हमको मिला वहाँ पेट्रोल था ही नहीं, वहाँ था ही डीजल डीजल, इसलिए फिर उसका तो एवरेज ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का एवरेज कम है तो पहुँच जाएगी मेरा लगता है, क्योंकि कभी दो डंडे दिखाता है कभी डंडे दिखाता है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो पिलर एक पिलर आते रहता है, अभी इसका रिजर्व विजर्व का इसमें हिसाब किताब है नहीं ना, एक सबसे बड़ी समस्या ही है। लेकिन ये जैसे ही पेट्रोल ख़त्म होता है तो उसे ब्लिंक करता है, पेट्रोल जैसे ही रिजर्व में आता होगा करता। यहाँ में भी पॉसिबिलिटी है पेट्रोल मिलने की, क्योंकि पेट्रोल तो वाकई ख़त्म हो चुका है। अभी जो एरिया हम जहाँ पहुँच चुके हैं वह है गोविंद घाट, जहाँ से यात्रा होती है हेमकुंड साहिब, जो सिख धर्म का सबसे फेमस तीर्थ स्थल है, और यहीं से यात्रा होती है फूलों की घाटी की। घगरिया यहाँ से 13 किलोमीटर है जो बेस कैंप है फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब का, और फूलों की घाटी है 17 किलोमीटर और हेमकुंड साहिब की डिस्टेंस है 20 किलोमीटर। ये सारी यात्रा यहीं से की जा सकती है। आप यहाँ पे गुरुद्वारा है गोविंद घाट में, यहाँ आके फ्री में आप स्टे कर सकते हैं, नज़दीक आप जा सकते हैं हेमकुंड साहिब और उसके नज़दीक आप जा सकते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। तो अब हम पहुँच चुके हैं विष्णु प्रयाग, जहाँ धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। जोशीमठ के बाद बद्रीनाथ तक ये सारा का सारा जो एरिया है वो कहलाता है नंदा देवी बायोस्पर्स रिजर्व है ये पार्क पूरा, और यहाँ पर बैकुंठ धाम बोलते हैं इसको विष्णु प्रयाग को, यहाँ पर मंदिर है और नीचे बह रही है अलकनंदा। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, इतना ज़बरदस्त नज़ारा है, और जो नदी की आवाज़ है पूरी रोड तक ऊपर तक इतनी ज़बरदस्त आती है। कल जब मैं बद्रीनाथ जा रहा था ना शाम को, मैंने आपसे वादा किया था कि जा सकते हैं दिखाऊंगा आपको वाटरफॉल, तो क्योंकि मेरी देर होती क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। अब ये देखिए ये वाटरफॉल कितनी हाइट से गिर रहा नीचे, ये देखिए नदी का किनारा और नदी का वेग, यहाँ पर नीचे देखो ना आप कितना भयंकर से आ रहा है। यहाँ पहुँच गए हम जोशीमठ, हम देखते हैं कुछ होटल वोटल यहाँ पे यार, क्योंकि मकान बहुत हो गया आज की तो बाट लग गया था, जो ट्रैक किया है ना पत्थरों पे इतनी बड़ी बात आ रही है, रुकते हैं होटल जब बात मिलते हैं। फाइनली रूम ले लिया हमने, एक रात गुजारने के लिए ठीक है यार, 500 रुपये का, टीवी भी है गीजर भी है सारी व्यवस्था है, बिस्तर भी है कम्बल लगा हुआ है एक रात गुजारने के लिए, और कम खर्चे में होना चाहिए सफ़र यार, और बाकी क्या है। तो फाइनली दोस्तों रूम ले लिया हमने, अभी चाय ऑर्डर किए, चाय पियेंगे, रात में डिनर करेंगे, सो जाएंगे, तो थकान बहुत ज़्यादा है। एक तो हमारा 12 किलोमीटर ट्रैक हो गया आने जाना, और सुबह 4 बजे से जगे हुए हैं, उसके बाद होगी करीब 50 किलोमीटर की राइड। ठीक है, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो वही बात, नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसे दबाने के पैसे नहीं लगते बिल्कुल भी, तो उसे दबा दीजिए, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम जैसे भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, मेरा मकसद है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना और मैं पहुँचाते रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जय देवभूमि जय उत्तराखंड।